राम हरे राम हे राम हरे राम। राम राम ए नल की माँ। पता नहीं आज तो नाज पानी मिल लगा कि ना, बड़े नरभाग के दर्शन हुए। हे भगवान, जो आज मेरे घर में कोई औलाद होती तो ये दो अन्य की औरत यूं बोल जाती, तू कहलवा रहा है भगवान, तू कहलवा रहा है। मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा भी नहीं किया, फिर ये किन कर्मों की सजा है भगवान, किन कर्मों की सजा है? महाराज, सुबह सुबह किस सोच में बैठे हो? बाछल, क्या बताऊं, मैं छत पर बैठा था तो वो रामलाल की औरत आई और मेरे को देखकर कहने लगी कि अच्छे निर्भाग के दर्शन हुए। महाराज, पता नहीं दुनिया क्या क्या कहती है, कोई निर्भाग कहती है, कोई नपुते, कोई कुलक्षणे, हम किस किस का मुंह बंद करेंगे महाराज। हमारे भाग्य में तो लोगों की अच्छी बुरी सुनना ही लिखा है, और करें भी तो क्या करें महाराज, क्या करें। हर जतन करके देख लिया रानी, पर भगवान ना सुने तो क्या करें। वरना कोई साधु, कोई मंगता हमारे द्वार से खाली हाथ गया है। महाराज, मैंने भी धर्म कर्म करने में कसर नहीं छोड़ी, पर फिर भी परमात्मा ना सुने तो बंदा क्या करे। बाग बगीचे हमने लगवा कर देख लिए, धर्मशाला हमने बनवा कर देख ली, कुएं खुदवा कर हमने देख लिए, भंडारे लगा कर हमने देख लिए, लेकिन लेकिन लगता है कि हमारी तकदीर में औलाद का सुख नहीं है महाराज, औलाद का सुख नहीं है। नहीं रानी, नहीं, ऐसा माड़ा मन नहीं करते। धर्म की बेल हमेशा हरी होती है, कब तक नहीं सुनेगा, एक दिन तो उसे जरूर सुननी पड़ेगी। बस भलाई की राह पर चलती रहे, एक दिन मन की मुराद जरूर पूरी होगी। महाराज, क्यों झूठी दिलासा दे रहे हो, मुझे तो समझा लोगे, क्या आप अपने मन को समझा पाओगे? रानी, उसके घर देर है, अंधेर नहीं है। महाराज, क्या अब भी देर नहीं हुई है? दुनिया कहती है कि 12 साल में तो कुड़ी के भी भाग जग जाते हैं, मेरा मुकद्दर तो कुड़ी से भी खराब है। मैं भी सोचती हूँ कि मेरी गोद में भी बच्चा हो जिसे मैं अपने सीने से लगा लूं, वो मुझे माँ कह के बुलाए, कभी उसको नहलाऊं तो कभी उसको सुलाऊं, कभी वो रोए महाराज तो कभी वो हंसे, उसकी किलकारियों से, उसकी बातों से मेरा घर गूंज उठे। लेकिन क्या करूं, क्या करूं, सारे अरमान सीने में दफन करे बैठी हूं, करूं भी तो क्या करूं महाराज, क्या करूं।
घर में नहीं औलादी वो घर बर्बादी रे दुखड़ा सब ते मोटा से जिन दुनिया कवह न पूत रवह बिन पूत भाग उनका तो खोटा से इस घर में नहीं औलादी वो घर बर्बादी रे दुखड़ा सब ते मोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से माया काम चला ले मांग के खा ले यो सब ते बुरा टोटा से यो सब ते बुरा टोटा से यो सब ते बुरा टोटा से बिन माया काम चला ले मांग के खा ले यो सब ते बुरा टोटा से यो सब ते बुरा टोटा से यो सब ते बुरा टोटा से जिन दुनिया कब है न पूत रब है बिन पूत भाग उनका तो खोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से जिस घर में नहीं औलादी वो घर बर्बाद रे दुखड़ा सब ते मोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से घर में हो से बच्चे वो है घर अच्छे फकर ते लंबा छोटा से फकर ते लंबा छोटा से फकर ते लंबा छोटा से जिस घर में हो से बच्चे वो है घर अच्छे फकर ते लंबा छोटा से फकर ते लंबा छोटा से फकर ते लंबा छोटा से बिन दुनिया कब है न पूत रवे बिन पूत भाग उनका तो खोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से दुखड़ा सब ते मोटा से इस घर में नहीं औलादी वो घर बर्बाद रे दुखड़ा सब ते मोटा से 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 अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन आदेश महाराज आदेश आदेश माई आदेश आओ महाराज आओ भीतर आओ अंजल कुछ तो ले लो महाराज नहीं माई नहीं मैं अकेला नहीं हूँ मेरे साथ मेरे गुरुजी गोरखनाथ और मेरे बहुत से गुरु भाई भी हैं माई मैं अकेला खा जाऊं ये उचित नहीं है तो ठीक है मैं सभी के लिए दे देती हूँ माई हम दो चार नहीं हैं आप सरदा सामान थोड़ा बहुत दे दो बाकी मैं नगरी से मांग कर ले जाऊंगा नगरी में किस लिए जाओगे महाराज
जो मैं सबके लिए यहीं से दे दूंगी। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन 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 क्या माई, तुम्हारी तो आंखें भर आई। सब कुछ होते हुए भी महाराज मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? हाँ महाराज, मैं बेऔलाद हूँ, बेऔलाद। लेकिन मेरा भाग्य ही ऐसा है तो कोई क्या कर सकता है। कर्मों के लेखे को कौन बदल सकता है महाराज? कर्मों के लेखे और भाग्य बदलते देर नहीं लगती माई। हमारे गुरु गोरखनाथ जी बड़े चमत्कारी, बड़े सिद्ध योगी हैं। वो अपनी योग विद्या से कुछ भी कर सकते हैं। उनकी मेहर हो जाए तो आपका भाग्य भी बदल सकते हैं। कहाँ है वो, कहाँ है? मैं उनके चरणों की धूली चाहती हूँ। हो सकता है कि उनके चरणों की धूली से मेरा मुकद्दर ही बदल जाए। बताओ महाराज, आपके गुरु कहाँ हैं? माई, गांव से बाहर हमने अपना डेरा लगाया है। आप सुबह सुबह वहां आ जाना। गुरुजी की मेहर हुई तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी माई, जरूर पूर्ण होगी। मौका अच्छा है, मौके का फायदा उठा लेना चाहिए। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो तुम? काछल, आओ बहना आओ। क्या तुमने बाबा की बात सुनी है? कौन छे बाबा की बात? थोड़ी देर पहले एक बाबा आया था और उसने बताया कि उनका गुरु बहुत पहुंचा हुआ योगी है। और मुझे पूरा यकीन है काछल कि वो योगी हमारी मनोकामना को जरूर पूरा करेगा। हाँ, अगर मेरी बात सीधी हो गई ना तो फिर मैं अपनी प्यारी बहना को भी वहां पर लेकर चलूंगी, क्योंकि अपनी छोटी बहन के दुख को तो मैं ही समझ सकती हूँ। और हो सकता है अपने दोनों के दुख दूर भी हो जाएं। हाँ, बात तो भूल ही गई, तू किस लिए आई थी बता, क्या बात है? तुम तो पागल हो गई हो दीदी, इच्छे पहले क्या थोड़े योगी बाबा आए हैं, थोड़े साधु आए हैं, ये भी उन्हीं में से एक है। इन साधुओं के चक्कर में तो तुम खाम खा पड़ी रहती हो। रोज कोई ना कोई हमारे अरमानों से खेलने आ जाता है। योगी चित कहाँ है अब बताओ, कहाँ है? देहना सब ढोंगी है ढोंगी। मैं भी तो कहती हूँ, इन साधु सन्यासियों के चक्कर को छोड़कर पूजा भक्ति में ध्यान दे दो। मैं भी आज पूजा कर रही हूँ। बहिना, पंडित ने बताया है कि दूसरी स्त्री के कपड़े पहनकर पूजा करने से मेरी मनोकामना जरूर पूरी हो जाएगी। तो मेरी प्यारी बहना, मैं तुम्हारे वस्त्र लेने आई हूँ। ऐसी बात है तो भी दे देती हूँ। और नहीं बहना, और नहीं, पंडित जी ने बताया था कि पहने हुए वस्त्र ही उतरवा कर पहनने पड़ेंगे। ये चाहिए तो यही दे देती हूँ। मेरी लाडो की मनोकामना पूरी होनी चाहिए, चाहे किसी तरह भी हो। रानी, अगर तेरा मन मानता है तो जरूर जाओ, पता नहीं किसकी दया दृष्टि हो जाए। महाराज, मुझे ना सुबह जल्दी उठा देना, मुझे बहुत सारे पकवान बनाकर साधुओं को जिमाने जाना है। देर हो गई तो वो साधु चले जाएंगे। ठीक है रानी, ठीक है, अब निश्चिंत होके सो जाओ, मैं तुम्हें जल्दी उठा दूंगा।
प्रणाम महाराज, प्रणाम। प्रणाम देवी, प्रणाम, सुखी रहो। महाराज, आप योगियों के लिए मैं कुछ भोजन लाई हूँ, कृपया इसे ग्रहण कर लो, मैं बहुत सौभाग्य समझूंगी अपना। देवी, आपका परिचय? महाराज, जिनके बारे में मैं कल जिक्र कर रहा था ना, ये वही माई है। सब चीजा की मौज गुरु जी, एक चीज का से तोड़ा। घबरावे मत हे बेटी, तेरे बेटा का हो
प्रिय शिष्यों, चलो चलते हैं, अभी बहुत दूर जाना है। इस तरह रुकते रहे तो बहुत देर हो जाएगी। चलो गुरुजी, चलो। साधु रुके हुए थे, वो तो थोड़ी देर पहले खेतों की तरफ गए हैं। चलो तो बहनों, चलो उनका पीछा करते हैं। अगर उनके दर्शन नहीं हुए तो सारी उम्र पछतावे की आग में जलना पड़ेगा। जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। कोई कमी रह गई देवी? महाराज, कमी कमी ही कमी है महाराज। महाराज, औलाद से बड़ी कमी माँ के लिए और क्या होगी? पुत्रों का वरदान तुम्हारे को दे तो दिया, हथेली प्रसव हरी होती नहीं, पुत्र तो देवी 9 महीने बाद ही होंगे। वरदान, पुत्र, ये बात कुछ समझ में नहीं आई महाराज। थोड़ी देर पहले ही तो हमारे गुरुजी ने तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया था। मेरे को? मैं तो महाराज अब आई हूँ, मेरे को कब दे दिया? तुम्हारे को नहीं दिया तो वो कौन थी? वही तुम्हारे कल वाले कपड़े पहने हुए। मेरे कपड़े? हे भगवान, जरूर वो मेरी छोटी बहन काचल थी। मेरे साथ धोखा हुआ है महाराज, मेरे साथ धोखा हुआ है। ऐसी कपटी औरत अपने छल से मुझसे वरदान ले गई। देवी, वरदान एक ऐसी चीज है जो देकर वापस नहीं लिया जा सकता, वरदान का फल अवश्य मिलता है। लेकिन महाराज, मेरा तो कोई कसूर नहीं है और किसी दूसरे के कर्म की सजा मुझे क्यों? आखिर मुझे क्यों? कमान से निकला हुआ तीर कमान में दोबारा नहीं आ सकता। तीर हाथ से निकल चुका है देवी, तीर हाथ से निकल चुका है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कहो महाराज, ऐसा मत कहो। आप चाहे तो क्या नहीं हो सकता? आपके पास किस चीज की कमी है? महाराज, मैं तुम्हारे चरणों में सिर पटक पटक के मर जाऊंगी, लेकिन लेकिन बिना वरदान लिए घर नहीं जाऊंगी महाराज, नहीं जाऊंगी। मैं तो अच्छे धर्म संकट में फंसा, करूं तो क्या करूं? इसके भाग्य में तो संतान है ही नहीं, कुछ तो जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये मर जाएगी और इसका श्राप हमें लगेगा।
देवी धीरज रखो, मैं अपनी हर कोशिश करता हूं। सजनों, ये कहकर गोरखनाथ जी नागों की नगरिया चले जाते हैं और नाग माता से उनका पुत्र कुछ समय के लिए उधारा मांगकर ले आते हैं। लो माई, ये लो गूगल, जो भी औरत इसको खाएगी वो गर्भवती जरूर हो जाएगी। हे गुरु के गुरु गोरख योगी, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो गुरु गोरख योगी, तुम्हारी जय हो। आओ बहनों आओ, तुम्हें एक चीज दूंगी। चीज? क्या चीज दोगी रानी जी? ये लो। क्या है ये रानी जी? पहले इसको खा लो, फिर बताऊंगी। फिर भी बताइए तो रानी जी। ये गुरुओं के गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद और उनके वरदान से मिली गूगल है। ये औलादहीनों के सपने साकार करने वाली है। इसका मतलब इसके खाने से हम माँ जरूर बन जाएंगी। हाँ बहना, हाँ हम माँ जरूर बन जाएंगी। महारानी जी, महारानी जी, थोड़ी सी गूगल मेरे को भी दे दो। क्यों नहीं, क्यों नहीं, आ तू भी ले ले। रानी जी, मेरे को भी थोड़ी सी मिल जाती तो। अरे हिचकिचा क्यों रही है, आ जा तू भी ले ले। अरे पागल, मुझे तो खुशी ही होगी अगर हम सभी की सभी बराबर हो जाएं तो। बिना औलाद के दुख को मेरे से ज्यादा भला कौन समझेगा। अरे सबको मिल गई ना, कोई रही तो नहीं? वो रह गई महारानी जी। अरे ठीक है, जाओ उसको भी खिला दो। अरे बेटे की भूखी तो वो भी है, क्या हुआ वो कह नहीं पाती तो। रानी जी, रानी जी, रानी जी, रानी जी, अपनी घोड़ी के बच्चा हुआ है। अच्छा, ये तो तुमने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई। रानी जी, रानी जी, बधाई हो। बधाई? किस चीज की बधाई? रानी काछल ने दो बेटों को जन्म दिया है। दो बेटे? कितनी खुशी की बात है, आज मेरी काछल भी माँ बन गई। सच बताऊं दासी, मेरे को अपने से ज्यादा काछल की सुनी को का दुख था। देखो दासी, बेटे जन्मे काछल ने और माँ मैं बन गई। रानी जी, आप माँ तो काछल बनी है। अरे वो तो छोटी माँ बनी है, बच्चों की बड़ी माँ तो मैं ही हूँ ना। रानी जी, कहाँ आप और कहाँ वो आपकी बहन? देखो दासी, ऐसी खुशी की मौके पे ऐसी वैसी बातें मत करो, खुशी का मजा खराब मत करो। वो मुझसे छोटी है और थोड़ी से नादान है, पर आत्मा की वो मुझसे भी अच्छी है। हे गुरुओं के गुरु गोरखनाथ जी, आप धन्य हैं, आपने तो खुशियों की झड़ी लगा दी। बधाई हो महाराज, बधाई हो, महारानी ने राजकुमार को जन्म दिया है महाराज। लो दासी, खुश रहो, ये खबर सुनने के लिए मेरे कान बरसों से तरस रहे थे। हे भगवान, दुनिया ठीक कहती है, तेरे घर देर है अंधेर नहीं। आज ये अभागा भी भाग्यवान बना दिया, जैसे वर्षों से तपती बंजर जमीन पर
बारिश हुई हो। आज पता चला है कि बाप बनने में कितना सुख है।